हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें हमें ना ही जारे की ज़रूरत है और ना ही बूंदी बनाने की। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और बिल्कुल मार्केट जैसे मोतीचूर के लड्डू बन के होते हैं तैयार। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए मैं ले रही हूँ चने की दाल, और एक कप मैंने चने की दाल को 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से दाल फूल चुकी है। जब मैं इस तरह से तोड़ रही हूँ ना, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये टूट रही है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट दाल फूल चुकी है। और अब हम क्या करेंगे ना, इसका जो पानी है एक्स्ट्रा, उसे बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल देंगे। बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं होना चाहिए। और ये लीजिए, इसका सारा पानी निकाल दिया है। पानी निकालने के बाद अब हम करेंगे इसे ग्राइंड, और इसके लिए लेंगे एक मिक्सी जार। मिक्सी जार में डाल देंगे दाल को, और दाल एक बार में सारा इसमें ऐड ना करें। पीसते समय ध्यान रहे, हम इसमें पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी तरह से हमें इसे पीसना है। दाल को बिल्कुल बारीक ना पीसे, हल्का सा इसे दरदरा पीसे। और ये लीजिए, मैंने दाल को पीस लिया है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये बिल्कुल दरदरा मैंने इसे पीसा है। इसमें हल्के से चने के दाने भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी तरह से आपको चने की दाल को पीसना है। और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में। इसी तरह से जो बाकी की दाल है उसे भी पीस ले। बस पीसते समय ध्यान रहे, इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड ना करें और बिल्कुल बारीकी से ना पीसे। और ये लीजिए, इस तरह से मैंने सारी दाल को पीस लिया है। आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी दरदरी दाल पीसी हुई है, तो इसी तरह से आपको बिल्कुल दरदरा ही से पीसना है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटी छोटी दाल की टिक्कियाँ बना के करेंगे तैयार। ज़्यादा मोटी से ना बनाए, इस तरह से आप देख रहे हो मैंने इसकी पतली पतली टिक्कियाँ बना के करी है तैयार। तो इसी तरह से सभी टिक्कियाँ बना के करें तैयार। टिक्कियाँ बनाने के बाद अब हम करेंगे इन्हें फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। घी से क्या होता है ना, जो मोतीचूर के लड्डू बनते हैं काफ़ी अच्छे बनते हैं, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो अगर आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, तो आप इसमें घी का इस्तेमाल करें। घी अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें ऐड करें टिक्कियाँ। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करें, जब तक इसका हल्का सा गोल्डन क्रिस्पी कलर ना आ जाए। बीच बीच में इस तरह से उलटते पुलटते रहे ताकि अच्छे से फ्राई हो। इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 1 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल फ्राई नहीं करना है। और अब हम इसे निकालेंगे एक प्लेट में। इसी तरह से मैंने सारी टिक्कियों को कर लिया है फ्राई, और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, काफ़ी क्रिस्पी है। तो इसी तरह से आप फ्राई करें। और अब हम लेंगे एक मिक्सी जार, और इस तरह से छोटे छोटे पीस में इसे तोड़ के इसमें डाल लें। एक बार में हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें इसे करना है ग्राइंड। ग्राइंड करते समय ध्यान रहे, पल्स मोड पे इसे ग्राइंड करें, लगातार इसे बिल्कुल ना चलाएं। और ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे पीस लिया है। और ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इस तरह से ये छोटी छोटी बूंदी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम इसे करेंगे ग्राइंड। इससे ज़्यादा इसे बिल्कुल भी बारीक ना पीसे। और अब बाकी की जो बची हुई टिक्किया है उसे भी तोड़ के डालेंगे मिक्सी जार में, और इसी तरह से इसे भी पीस लेंगे। और ये लीजिए, मैंने इस तरह से बूंदी बना के कर लिए तैयार। आप देख सकते हो बिल्कुल छोटी छोटी बूंदियाँ बनके हमारी तैयार हुई है। बिना झारा हमने बिल्कुल परफेक्ट बूंदियाँ बना के कर लिए तैयार। तो इसी तरह से बूंदियाँ बना के करें पहले तैयार। और अब हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई या फिर पैन ले, और इसमें डालेंगे चीनी। मैंने 1 कप इसमें डाली है चीनी, साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। जितनी हमने चीनी ली है उससे आधा डालेंगे इसमें पानी। गैस को कर लेंगे ऑन, गैस का फ्लेम कर लेंगे हाई, और हाई फ्लेम पे अब हम बनाएंगे चाशनी। मोतीचूर के लड्डू के लिए हमें इसके 1 तार की या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी, बस हल्की सी चिपचिपी चाशनी बना के करनी हमने तैयार। थोड़ी देर मैंने इसे चलाया है, और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से चीनी पिघल चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर, और मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो हमारे मोतीचूर के लड्डू होते हैं वे ऑरेंज कलर के होते हैं। तो मैंने क्या किया ना, इसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो ये इसमें ऐड करें, या फिर इसे स्किप भी आप कर सकते हैं। गैस का फ्लेम रखेंगे हाई, और हाई फ्लेम पर अब हम इसे 1 मिनट के लिए उबाल लेंगे। इससे ज़्यादा उबालने की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें इसे 1 तार की या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है। और ये लीजिए, मैंने इसे 1 मिनट के लिए उबाला है, और 1 मिनट के बाद अब हम करेंगे इसे चेक। और इस तरह से मैं चेक कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो इसमें 1 तार या 2 तार नहीं बन रहा है, ये चिपचिपी है। तो इसी तरह की हमें चाशनी बना के करनी है तैयार।
चाशनी बनने के बाद अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो। लो फ्लेम करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बूंदी। बूंदी डालने के बाद अब हम करेंगे इसे एक बार मिक्स। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पे चलाते हुए इसे एक मिनट के लिए पकाएंगे। इससे क्या होगा ना, जो हमारी बूंदी है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और अंदर तक चाशनी जाती है। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे एक मिनट के लिए पकाएं। और ये लीजिए, एक मिनट मुझे इसे पकाते हुए हो चुके। तो एक मिनट के बाद मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी ऑफ और इसे ढक कर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि थोड़े से ठंडे हो जाए, ताकि हम इसके लड्डू आसानी से बना सके। और ये लीजिए, 2 से 3 मिनट मैंने इसे रखा है और अब हम इसमें ऐड करेंगे मगज़ के बीज और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम बनाएंगे इसके लड्डू। और ये लीजिए, हमारे मोतीचूर के लड्डू बनके हो गए तैयार। आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुए। ना ही हमने इसकी बूंदी बनाई हो और ना ही जारे की ज़रूरत पड़ी है, और बिल्कुल हलवाई जैसे मोतीचूर के लड्डू बनके तैयार हुए। यकीन मानिए काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुए। आज मैं आपके साथ डबल लेयर की बर्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बनाएंगे बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, और साथ ही इसे बनाना बिल्कुल आसान। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। डबल लेयर की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई या फिर पैन, और इसमें डालेंगे 1/2 कप की घी। मेल्ट होने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा, और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मैदा। जितना हमने घी लिया उसका डबल इसमें डाल देंगे मैदा। मैदा डालने के बाद अब हम इसे भुनेंगे, और भूनते समय ध्यान रहे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए भून लें। मैदा को अच्छे से भूनने में हमें कम से कम 7 से 8 मिनट लगने वाले हैं। तो ध्यान रहे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखें, हाई या मीडियम बिल्कुल भी ना करें। मैदा को हमें इस तरह से भूनना है जैसे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं ना, तो बेसन को अच्छी तरह से भूनते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, उसी तरह से हमें मैदा को भी भूनना है। और ये लीजिए, मुझे मैदा को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो घी कर दिया इसने बिल्कुल अच्छे से रिलीज। मैंने इसमें एक्स्ट्रा घी बिल्कुल नहीं डाला था, और आप देख सकते हो इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। मैदा अच्छे से भुनने के बाद अब हम रख देंगे इसे साइड में, और अब हम इसकी बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए अब हम लेंगे एक पैन, और इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। जितनी हमने चीनी ली है उसका 1/2 डाल देंगे इसमें पानी। पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम कर लेंगे हाई, और हाई फ्लेम पे चीनी को अच्छे से पिघलने दें। चीनी पिघलने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा इलायची पाउडर, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़ वाटर। और अब हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए चाशनी को अच्छे से उबाल लें। हमें इसकी एक तार की चाशनी बना के करनी है तैयार। और ये देखिए, मैंने 1 मिनट के लिए इसे उबाल लिया। 1 मिनट के बाद अब हम इसे करेंगे इस तरह से एक बार चेक। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इस पर एक तार बन रहा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट हमारी चाशनी बन के हुई है तैयार। तो अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। गैस ऑफ करने के बाद अब हम इस पर रख देंगे मैदा वाली कढ़ाई, और अब हम इसमें डाल देंगे गर्मा गर्म चाशनी। ध्यान रहे गैस को बिल्कुल भी ऑन ना करें। बिना गैस को ऑन के हुए अब हम चाशनी को करेंगे इसमें अच्छे से मिक्स। इसमें गर्मा गर्म जब चाशनी को हम मिक्स करेंगे तो ये थिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छे से कर ले इसे मिक्स। और ये देखिए, मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, बिना गैस को ऑन किए हुए अच्छे से कर रही हूँ मैं इसे मिक्स। चाशनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे ना, इसे 2 पार्ट में कर लेंगे डिवाइड, क्योंकि हमें इसकी डबल लेयर की बर्फी बना के करनी है तैयार। तो 1 पार्ट में डाल देंगे फूड कलर, मैं इसमें पिंक फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और फूड कलर डालने के बाद अच्छे से कर लेंगे इसे मिक्स, और लगातार जब आप इस तरह से इसे चलाएंगे तो ये थिक होना स्टार्ट हो जाता है। और ध्यान रहे गैस का फ्लेम बिल्कुल भी ऑन ना करें, और इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए थिक करें। और इस तरह से मैं चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ, आप देख रहे हो ये पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे ना, इस तरह से कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं जिसमें आपको बर्फी जमानी है। तो मैंने इसमें लगा लिया एक बटर पेपर। बटर पेपर लगाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे अपना वाइट वाला पार्ट, और इस तरह से इसे फैला दें अच्छे से। अब हम इस पर डाल देंगे पिंक वाला पार्ट, इसे भी कर लेंगे अच्छे से इस पर सेट।
बर्फी अच्छे से सेट करने के बाद अब मैं इस पे लगा रही हूँ सिल्वर पेपर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो लगाएं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इस पे ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक आता है उससे भी। सिल्वर पेपर लगाने के बाद अब मैं इसे 20 से 30 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी ताकि हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो जाए। 30 मिनट के बाद अब हम बर्फी को निकाल लेंगे और ये देखिए परफेक्ट हमारी बर्फी बनके तैयार हुई है। तो अब हम करेंगे इसे कट। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी बर्फी बनके तैयार हुई है और ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, है ना बिल्कुल सुपर सॉफ्ट। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आज मैं लेके आई हूँ परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके आप बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करें। तो चलिए देरी ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले इसकी चाशनी बना के तैयार करेंगे और इसके लिए लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे चीनी। मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी इसमें डाल लिया है। चीनी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी और जितना हमने चीनी लिया है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। यानी कि 2 कप चीनी ले रही हूँ मैं, तो इसमें 2 कप हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद गैस को कर लेंगे ऑन। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम कर लेंगे हाई और हाई फ्लेम पे चीनी को पिघलने तक चलाते हुए इसे पकाए। हमें इसकी 1 तार की या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, हल्की सी चिपचिपी चाशनी हमें इसकी बना के तैयार करनी है। और ये देखिए चीनी अच्छे से इसमें पिघल चुके हैं। चीनी पिघलने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, ताकि जो हमारे चाशनी होती है ना किनारों पे चिपक जाती है वो बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं इससे। नींबू का रस डालने के बाद अब हम इसे 1 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे, इससे ज़्यादा इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। जब भी आप गुलाब जामुन बनाएं तो खासकर चाशनी का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि जो 1 तार की या 2 तार की चाशनी होती है वो गुलाब जामुन के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो गुलाब जामुन जब भी आप बनाएं तो 1 तार की या 2 तार की चाशनी बिल्कुल ना बनाएं। और ये लीजिए 1 मिनट हो चुका है इसे पकाते हुए। तो 1 मिनट के बाद अब हम करते हैं इसे चेक और ये देखिए हल्की सी चिपचिपी चाशनी बन के तैयार हुई है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट चाशनी है। तो अब हम इसे ढक कर रख देंगे साइड में और गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। चाशनी बनाने के बाद अब हम लेंगे एक बड़ी सी प्लेट और इसमें डालेंगे मावा। मैंने यहाँ पे 1 कप मावा का इस्तेमाल किया है। मावा डालने के बाद हाथों से अच्छे से करेंगे इसे मैश, और मैश करने के लिए हाथों की हथेली से रगड़ते हुए इसे मैश करें ताकि इसमें बिल्कुल भी दाने ना हो। और ये लीजिए अच्छे से इसे कर लिया मैश, आप देख सकते हो बिल्कुल भी इसमें दाने नहीं है। और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैंने यहाँ पे 1/4 कप मैदा का इस्तेमाल किया है। मैदा इसमें एक बार में बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ा सा मैदा इसमें डालेंगे और फिर करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम बचा हुआ मैदा भी इसमें डाल देंगे और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सूजी और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इलायची पाउडर। सभी को डालने के बाद अब हम इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। और ये लीजिए बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट डो बना के कर लिए तैयार। डो बनाने के बाद अब हम इसके बॉल्स बना के तैयार करेंगे। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बॉल्स बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स बना रही हूँ, तो इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ। छोटे छोटे पेड़े बनाने के बाद अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, अगर थोड़ा सा भी क्रैक्स हुआ तो फ्राई करते समय फट जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके बॉल्स में क्रैक्स आ रहे हैं तो आप क्या करें, इस डो पे थोड़ा सा पानी का छींटा लें और फिर से अच्छे से करें इसे मैश। सभी बॉल्स बनाने के बाद अब हम करेंगे बॉल्स को फ्राई, और फ्राई करने के लिए ऑयल में एक बार में सारी बॉल्स ना डालें। और ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म किया है। हल्का सा गर्म करने के बाद बॉल इसमें डालेंगे और अब हम करेंगे ऑयल को चेक, और आप देख सकते हो हल्के हल्के इसमें बबल्स आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट ऑयल है। ऑयल चेक करने के बाद अब हमें डो को भी चेक करना है कि बिल्कुल डो हमारा परफेक्ट बन के तैयार हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे करेंगे अच्छे से फ्राई। ध्यान रहे जब भी आप बॉल्स को फ्राई करें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, और लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है पूरा। और आप देख सकते हो इसमें काफ़ी अच्छा कलर भी आया है और बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें अब सारी बॉल्स डाल देंगे। सभी बॉल्स को डालने के बाद अब हम करेंगे इसे फ्राई, और फ्राई करने के लिए गैस का फ्लेम हाई या मीडियम बिल्कुल नहीं करेंगे, लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से करना है फ्राई।
और अब हम चम्मच की हेल्प से इस तरह से ऑयल को हिलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, तली में बॉल्स बिल्कुल भी लगेगी नहीं और चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो इस तरह से ऑयल को हिलाते रहे और ये देखिए जो हमने सबसे पहले बॉल डाली थी वो अच्छे से हो चुके हैं फ्राई, काफ़ी अच्छा इसमें कलर आया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे डाल देंगे चाशनी में। इसी तरह से सभी बॉल्स को करेंगे फ्राई। ध्यान रहे गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना करें और लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसे फ्राई करें। बॉल्स को फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगते हैं और 7-8 मिनट लो फ्लेम पे इसे फ्राई करें। अच्छा सा कलर आने तक बॉल्स को इसी तरह से चलाते रहें ताकि चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये लीजिए 7 से 8 मिनट मुझे इसे हो चुके फ्राई करते हुए और आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है। तो अब हम सभी बॉल्स को निकाल लेंगे और इसे डाल देंगे चाशनी में। और ये गुलाब जामुन आप देखिए जो हमने सबसे पहले फ्राई किया था वो गुलाब जामुन मैंने चाशनी में डाला था, तो आप देख सकते हो है ना बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन। और अब हम एक बार कर देंगे इसे मिक्स। इसी तरह से बाकी बॉल्स को करेंगे फ्राई और इस तरह से हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट ऑयल है हमारा। और ये लीजिए बाकी के गुलाब जामुन भी अच्छे से हो चुके फ्राई, काफ़ी अच्छा इसमें कलर आया आप देख सकते हो। इन्हें भी निकाल के डाल देंगे चाशनी में। चाशनी में डालने के बाद अब हम इसे ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि अंदर तक इसके चाशनी भर जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। आधे घंटे के बाद मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक चाशनी जा चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बन के तैयार हुए। स्पेशल मोहन थाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बिल्कुल आसान है और यकीन मानिए मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है, काफ़ी टेस्टी बनती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मोहन थाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल और इसमें ऐड किया है बेसन। तो मैंने इसमें 2 कप बेसन ऐड किया है। बेसन डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे घी और मैंने इसमें 3 टेबलस्पून घी लिया है। ध्यान रखिए मेल्टेड घी का ही इसमें इस्तेमाल करें। घी डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क और मैंने इसमें 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड किया है। मिल्क डालने के बाद अब हम क्या करेंगे इसे अच्छी तरह से करेंगे एक बार मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम इस मिक्सचर को कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए रगड़ेंगे। इससे क्या होगा ना इसमें दाने बनते हैं और जो मोहन थाल होता है वो बिल्कुल दानेदार बनता है। तो ध्यान रहे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से रगड़ ले। और ये देखिए मैं आपको 4 से 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ बिल्कुल दानेदार हमारा मिक्सचर बन के तैयार हुआ है। और इसी तरह से बिल्कुल दानेदार मिक्सचर बन के तैयार होना चाहिए। दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ते हुए हमने इसमें दाने बना लिए हैं। तो दाने बनाने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे छलनी में से छान लेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से इसे छान लें। इससे क्या होगा ना जो इसमें मोटी गुठलियाँ होती है वो बिल्कुल नहीं रहती और बिल्कुल दानेदार हमारा बेसन बनके तैयार होता है। तो अच्छी तरह से इसे छान लें। और ये लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसे छान लिया और छानने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल दानेदार हमारा बेसन बनके तैयार हुआ है। अब हम इसे ढककर रख देंगे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे घी और मैंने इसमें 3/4 कप घी का इस्तेमाल किया है और मैंने इसमें मेल्टेड घी का इस्तेमाल किया है। घी डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे बेसन वाला मिक्सर और अब हमें बेसन को अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, बिल्कुल भी हाई या मीडियम बिल्कुल ना करें। बेसन के जब हम लड्डू बनाते हैं ना और बिल्कुल लो फ्लेम पर बेसन को भूनते हैं तो उसी तरह से हमें इस बेसन को भूनना है। बेसन को जब आप भुनेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल दानेदार बेसन है क्योंकि हमने पहले इसमें मोन लगा के रखा हुआ था और बिल्कुल दानेदार हमने बेसन को पहले ही बना लिया था। तो बिल्कुल दानेदार आपकी मोहन थाल बन के तैयार होगी। बेसन को अच्छी तरह से भुनने में कम से कम 8 से 9 मिनट लगने वाले हैं। तो बिल्कुल पेशेंस रखें और धीरे धीरे इसे भुनने दें और ध्यान रखें लगातार इसे चलाना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और अब मैं आपको 4 से 5 मिनट बेसन को भूनने के बाद दिखा रही हूँ और आप देख सकते हो जो बेसन है हमारा बिल्कुल ऐसे लाइट फॉर्म में हो गया है और साथ ही ऐसा हो गया जैसे झागदार होता है ना, तो बिल्कुल झागदार बन के तैयार हो गया है। अभी हमारा बेसन अच्छी तरह से भुना नहीं है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखूँगी और लो फ्लेम पर अभी हमें इसे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए और भूनना है। तो लगातार इस तरह से इसे चलाते रहे। और ये लीजिए बेसन को मैंने टोटल 8 से 9 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। आप इसका कलर देख सकते हो हल्का सा ब्राउन हो गया है। जो हमारे मोहन थाल होते हुए थोड़े से डार्क कलर के होते हैं तो मैंने इसे लिए बेसन को थोड़ा सा डार्क रखा हुआ है। बेसन अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध और मैंने 1/2 कप दूध लिया है और दूध अब हम इसमें ऐड करेंगे। एक बार में दूध बिल्कुल ना डालें, इसमें थोड़ा सा दूध डालें और अच्छी तरह से इसे मिक्स करें।
और ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला है और आप देख रहे हो बिल्कुल झागदार बन गया है। और जब इसका झाग ख़त्म हो जाएगा ना तब मैं बाकी का इसमें बचा हुआ दूध भी इसमें ऐड करूँगी। और अब हम इसमें बाकी बचा हुआ दूध भी इसमें ऐड करेंगे। दूध डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से करेंगे इसमें मिक्स। और ये देखिए बिल्कुल इसने दूध ऑब्जर्व कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे ऑफ और इसे रख देंगे साइड में। और अब हम बनाएंगे इसके चाशनी। चाशनी बनाने के लिए अब हम लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। जिस कप से हमने चीनी ली है उसी कप से 1/2 कप डाल देंगे इसमें पानी। मोहन थाल के लिए हमें एक तार की चाशनी बना के तैयार करनी है। तो गैस का फ्लेम हाई रखें और हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से चीनी को पिघलने दें। चीनी मेल्ट होने के बाद अब हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबाल लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ केसर वाला पानी। मैंने केसर को पहले भिगो के रख दिया था तो वही मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी डालने के बाद अब हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबाल लेंगे। 1 मिनट चाशनी को और उबालने के बाद आप इसे एक बार चेक कर ले। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ एक तार इसमें बन रहा है। तो बिल्कुल इस तरह से एक तार जब आपका बनना स्टार्ट हो जाए तब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। और अब हम चाशनी को ऐड करेंगे उस बेसन वाले मिक्सर में और इसमें अब हम चाशनी को डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। और जब आप बेसन वाले मिक्सर में चाशनी को ऐड करें तब आप गैस का फ्लेम बंद रखें और एक बार अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। और जब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो मिक्स करने के बाद गैस को ऑन करें और गैस का फ्लेम लो रखें। चाशनी को मिक्स करते समय ये लग रहा होगा बिल्कुल हलवा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे ना, गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसे चलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे। और ये लीजिए 1 मिनट मैंने इसे चलाया है। 1 मिनट के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जैसे बर्फी जमाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। अब मैंने लिया है एक एक टिन और इसमें लगा लिया है बटर पेपर। बटर पेपर से क्या होगा ना, इजीली हम बर्फी को निकाल सकते हैं। तो मैंने इसमें बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसे हल्का सा घी से ग्रीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से इक्वल। साथ ही मैं इस पर लगा रही हूँ चांदी वाला वर्क ताकि लुक वाइज हमारी बर्फी अच्छी लगे। तो इसके लिए मैंने इस पर चांदी का वर्क लगाया है। चांदी वाला वर्क लगाने के बाद बर्फी को सेट करने के लिए अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए इसी तरह से रख देंगे। अगर आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ये लीजिए 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। और 2 घंटे के बाद हमारी बर्फी अच्छी तरह से हो गई है सेट। और अब हम कर लेंगे इसे कट। मोहन थाल की बर्फी का टेक्सचर आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। रेसिपी को एक बार ट्राई करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।